चलो ये तो सही काम कर रहे हैं और ये बच्चे यहाँ पे आराम से मजे से घूम रहे हैं, इन्हें काफी मजा आ रहा है। छोटे वाला कैमल था इसको पकड़ के अंदर ले आया है यहाँ पे, अब तो उसके बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ये रबिंग पैड पर अपनी खुजली मिटा रहा है और पूरा शरीर रगड़ दिया इसने रबिंग पैड पे। पिछली वीडियो के बाद मैंने इस जू में काफ़ी सारे चेंजेस किए, मैंने काफ़ी देर तक इस गेम को खेला और काफ़ी सारे चेंजेस ट्राई किए, और जो मैंने यहाँ पे राइड बनाई थी सबसे ऊंचे वाली और बोट राइड वो मैंने हटा दिया क्योंकि उनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। उसकी जगह मैंने एक और नई राइड स्टार्ट किया है और वो राइड है ये ट्रेन वाली राइड यहाँ पे, और ये मैंने अभी छोटी बनाई है इसको भी देखने के लिए कि ये सही से काम करती है या नहीं करती। और वैसे मुझे लग रहा है कि इस वाले एरिया में इतने विजिटर्स आते नहीं हैं, इसलिए यहाँ पे शायद ये सारी सारी राइड्स फेल हो रही हैं। बाकी इसको मैंने अभी छोटे लेवल पे बनाया है, ये ज़्यादा बड़ी है नहीं, ये यहाँ से जो है एक लूप बनाई है मैंने, इधर से घूम के ऐसे आती है। एक बार ये चल जाएगी तो ठीक है, अगर नहीं चलेगी तो उसको पूरी को हटा दूंगा और इसे गेट के पास वहाँ पर कहीं लगाऊंगा। और बाकी जो है अभी अपना बैलेंस भी काफ़ी कम हो चुका है, लास्ट वीडियो में $3,00,000 से ऊपर का बैलेंस था तो अब $1,12,000 ही बचे हैं और ये कंटिन्यूसली घटे जा रहा है क्योंकि मैंने जो कुछ चीज़ें बनाई हैं वो चल नहीं रही, जैसे ये ट्रेन राइड चल नहीं रही बट इसका रेगुलर कॉस्ट तो आ ही रही है, मतलब इसकी मेंटेनेंस वगैरह की। और अभी जो है काफ़ी सारे एम्प्लॉय भी हायर कर लिए हैं, शायद उन सबकी सैलरी की वजह से अभी जो इतना प्रॉफिट में नहीं आ रहा। बाकी गेस्ट काफ़ी सारे आ चुके हैं, लास्ट वीडियो में गेस्ट 3,000 से कम थे, 2,800 के आसपास गेस्ट थे और अभी 3,700 से भी ज्यादा है, मतलब 4,000 गेस्ट ऑलमोस्ट होने वाले हैं। और बाकी उसके अलावा मैं एनिमल्स ले आया हूँ काफी सारे, तो एनिमल्स में जो है तो मुझे मेल चिंपैंजी मिल गया है, तो अब अपने यहाँ पे जू पे मेल और फीमेल चिंपैंजी दोनों हो गया है, तो ये रहे दोनों के दोनों चिंपैंजी। और मेल चिंपैंजी मेरे को ज्यादा महंगा नहीं पड़ा, मेल चिंपैंजी मेरे को 800 कंजम्पशन क्रेडिट के आसपास ही आ गया, और ये दोनों चिंपैंजी है तो अब यहाँ पे कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे इनके बेबी चिंपैंजी भी हो जाएंगे तो जो है इतने महंगे फिर से खरीदने की मेरे को जरूरत नहीं पड़ने वाली। उसके अलावा यहाँ पे जो ये भालू थे इनके भी काफी सारे छोटे छोटे बेबी भालू हैं, ये रहा एक यहाँ घूम रहा है, एक यहाँ घूम रहा है, एक अंदर सो रहा है, ये रहा और ये एक बड़ा भालू यहाँ सो रहा है, और ये दोनों भालू आपस में लड़ रहे हैं। इनको मैं देख लूँ, इनको ये दोनों मेल भालू हैं, ये तो मेल है और ये वाला ये फीमेल है, तो ये आपस में क्यों लड़ रहे हैं। एक काम करता हूँ, एक को ना ट्रेड सेंटर में भेजता हूँ क्योंकि पहले भी ये काफ़ी ज़्यादा लड़ रहे थे तो मेरे को दो भालू को यहाँ से निकालना पड़ा, तो एक फीमेल को भेज देते हैं ट्रेड सेंटर में, उसको दूसरी जगह देख लेंगे। और ये जो अंदर सो रही है ये फीमेल है या मेल है, ये फीमेल है तो ठीक है, एक मेल फीमेल काफ़ी है यहाँ पर। और उसके अलावा मैंने ग्रिजली बेयर्स भी यहाँ पर इस वाले हैबिटेट में रख दिए हैं, यहाँ पर भी एक छोटा ग्रिजली बेयर हो चुका है, तो जितने भी हैबिटेट हैं सब में मैंने मेल फीमेल कर दिए हैं ऑलमोस्ट। और इस वाले हैबिटेट में मैंने टिम्बर वुल्फ रख दिए हैं, और ये टिम्बर वुल्फ भी जो है मेल और फीमेल है, तो ये वाली जो टिम्बर वुल्फ है ये फीमेल है और ये वाली जो है ये मेल है। बाकी यहाँ पे जराफ भी मैं मेल फीमेल ले आया हूँ, तो जराफ ये रहे मेल फीमेल, तो इनका भी जो है सही है अब जराफ का। और उसके अलावा मैंने यहाँ पे ये वाले एनिमल नए ऐड किए हैं, ये वाइल्ड बीस्ट और ये भी जो है मेल फीमेल ही है, तो अब सारे के सारे ऑलमोस्ट मेल फीमेल हो गए हैं। अपने बस एलिफेंट का रहता है, ये जो यहाँ पे एलिफेंट है मेल एलिफेंट, इसके लिए एक फीमेल एलिफेंट ढूंढनी है। और हिप्पो तो यहाँ पे मैंने दोनों कर ही दिए थे, हिप्पो कहाँ गए, पानी के अंदर है, नहीं इधर है यहाँ पे, तो अभी एक ही हिप्पो है फिलहाल, तो यहाँ पे ये फीमेल है और मेल हिप्पो या तो पानी के अंदर होगा, एक मिनट देख मैं यहाँ पे घुस रखा हो, वो पानी में काफ़ी ज़्यादा डीप चला जाता है, पानी के अंदर तो नहीं है, मे भी शायद वेट लेके गई होगी, आ जाएगा वापस अभी। और इधर भी भालू लड़ने में लगे हुए हैं, अब क्या कर रहे हैं भालू, एक सेकेंड, एक ही घूम रहा, तो भालू काफ़ी सारे हो चुके हैं। मैं सोच रहा हूँ कुछ भालुओं को ना मैं ट्रेड सेंटर में बेच के वाइल्ड में रिलीज़ कर दूँ, क्योंकि तीन हैबिटेट हो गए हैं भालुओं के, तो ये वाला हैबिटेट खाली कर लेते हैं, तो ये भी किसी और एनिमल को दे देंगे। अब तो जो है एनिमल अगर मैं और नए परचेस करूँगा तो उनके लिए हैबिटेट की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। और अभी अलर्ट क्या आ रहा है, एक बार अलर्ट देख लूँ मैं, ये हैबिटेट में ये इसी हैबिटेट में कंटिन्यूसली इशू आए जा रहा है। एक मिनट, यहाँ पर बंगाल टाइगर है, एक बंगाल टाइगर तो ये रहा, ये बंगाल टाइगर भी बड़ा हो चुका है और ये रहा, बाकी सब कुछ ठीक तो है। यहाँ पे ग्लास वगैरह लगे हुए हैं और यहाँ पे भीड़ भी काफ़ी अच्छी खासी है, तो अभी तो भी काफ़ी सारे अलर्ट इनको रिमूव कर देता हूँ, उसके बाद पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट इशू क्या है नए अलर्ट जब आएंगे। और ये कीपर हट कौन से वाली छोटे पड़ रही है, ओह ये वाली कीपर हट छोटी पड़ी है, तो एक कीपर हट यहाँ पे, ओह इनको वेट करना पड़ रहा है यहाँ पे, ये दो और ये अंदर क्या कर रहे हैं, ये खाना बना रहे हैं। ओके तो इधर हैबिटेट ना काफ़ी सारे हो गए हैं, इसलिए जो है यहाँ पे कीपर हट छोटी पड़ रही है, तो एक कीपर हट मुझे और लगानी पड़ेगी। एक कीपर हट यहाँ पे कहीं पे इधर लगाऊंगा तो फिर वही वाला इशू रहेगा कि जो है गैस को दिखेगी और फिर जो है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इधर कहीं लगा सकूँ, नहीं इधर भी नहीं, कीपर हट ना मैं क्या करता हूँ इधर ही देखते हैं, ये बीच में खाली जगह पड़ी तो है, एक हट तो मैं यहाँ भी लगा सकता हूँ, ये लगाते हैं अफ्रीकन वाले कीपर हट। इधर रास्ते पर कनेक्ट नहीं होगी शायद यहाँ लगने के बाद ना, तो देखना पड़ेगा, लग तो गई यहाँ पे,
और इसका रास्ता है यहाँ से, तो उसको रास्ता भी देना पड़ेगा। ये रास्ता मेरे को शायद इधर से घूम के चला जाएगा रास्ता, देखते हैं यार कनेक्ट हो जाए तो, जा तो सकता है। एक मिनट, इसको फिर यहाँ से दे देते हैं। भाई ये बिना रास्ते के चला गया इसके अंदर, तो ठीक है बिना रास्ते के जा रहा, तो यूज़ तो करने लग गया ना कीपर यहाँ पे। तो अब ये जो कीपर हेड पर यहाँ पे लाइन लग रही थी ये नहीं लगेगी। बाकी ये वाला हैबिटेट में अभी एक ही वर्थ हो गया और ये वाला हैबिटेट खाली पड़ा हुआ है। इस वाले हैबिटेट में देखना है, यहाँ के लिए भी एनिमल लेना है। और अभी 395 कंजर्वेशन क्रेडिट है और अब शायद बैलेंस थोड़ा ठीक हो रहा है, अब माइनस में नहीं जा रहा, थोड़ा सा रिकवर होने लग गया है। पहले तो इतनी देर में काफ़ी बैलेंस कम हो गया था, मतलब $3.5 लाख से मैंने 2 दिन ये गेम खेला है वीडियो बनाने से पहले और ये $1 लाख पे आ गया। इसीलिए मैं जो है राइड्स हटाई कि उनसे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा था। और अभी यहाँ पे ट्रेन चल तो पड़ी है, कोई आके बैठा है क्या इसके अंदर? ये खाली ही चला रहे हैं इसको, अभी कोई आके बैठा नहीं है। तो इसको भी मैं हटा ही दूंगा, इसको अब मैं यहाँ से कहीं इसका प्लेटफॉर्म बनाऊंगा इधर की साइड, और यहाँ प्लेटफॉर्म बनाने में मेरे को लगता है कि फ़ायदा रहेगा। यहाँ से गैस तो बैठ जाएंगे और इधर से रास्ता ले जाएंगे इसका, इस रोड के साथ साथ लेके जाना पड़ेगा मेरे को। बाकी एक ये हैबिटेट खाली पड़ा हुआ है क्योंकि यहाँ का जो एलिफेंट था वो मैंने वहाँ पे लेके दूसरी साइड मूव कर दिया था, तो मैं उसको इस साइड ही ले आता हूँ। एक काम करता हूँ, उस वाले एलिफेंट को इधर ले आते हैं, ये रहा अपना एलिफेंट, और इसको जो है मूव कर देता हूँ वापस उसी वाले हैबिटेट के अंदर। तो मैंने इस वाले एलिफेंट को लेके दूसरी साइड इसलिए मूव किया था कि दूसरी साइड भी विजिटर्स जाएं घूमने के लिए और वहाँ पे जो 2-3 हैबिटेट है वो भी चल जाएं। तो ये मैं एक और हैबिटेट तैयार कर रहा हूँ हिप्पो के हैबिटेट के साथ में। यहाँ पे एक के नीचे मैंने हैबिटेट बनाया है, इसका रास्ता मैंने तैयार कर लिया है। ये रास्ता यहाँ से जाएगा और नीचे उतरेगा, और नीचे उतर के इसमें मैं यहाँ पे 3-4 छोटे छोटे हैबिटेट बनाने वाला हूँ जो छोटे स्पीसीज हैं उनके लिए, मतलब स्नैक्स वगैरह के लिए। और वैसे मैंने एक स्नैक परचेज कर भी लिया है, बट अभी स्नैक के लिए जो हैबिटेट है एग्जिबिट वाला अलग से हैबिटेट बनेगा। और फिलहाल मेरे पास एक स्नैक है, मैंने परचेज कर लिया है, ये रहा ईस्टर्न ब्राउन स्नैक, बट अभी मैं इसको यहाँ भेज नहीं सकता, ये अभी इनवैलिड डेस्टिनेशन आ रही है क्योंकि यहाँ पर जो है ये वाली बाउंड्री काम नहीं करेंगी स्नैक के लिए। स्नैक के लिए अलग से एग्जिबिट वाली बाउंड्री आती है, एग्जिबिट स्पीसीज के लिए वो वाली मेरे को लेनी पड़ेगी और उसके लिए मेरे को मैकेनिक को रिसर्च करवानी पड़ेगी, और मैकेनिक मैंने रिसर्च पे लगा रखा है। तो अपने मैकेनिक जैसे ही रिसर्च कर लेंगे वैसे ही वो वाली बाउंड्री अनलॉक हो जाएगी। तो मैं उस वाली बाउंड्री को यहाँ पे लगाऊंगा और यहाँ पे 3-4 स्नैक के अलग अलग हैबिटेट बना देंगे। और उसके अलावा काफ़ी छोटे छोटे स्पीसीज हैं जो मैं ले सकता हूँ, जैसे ये अभी यहाँ तो फिलहाल तो स्नैक ही दिख रहा है। एक मिनट रिफ्रेश करते हैं इसको, अभी स्नैक ही है लिस्टिंग में। यहाँ पे अभी काफ़ी सारे थे, अभी आ जाएंगे, यहाँ पे बहुत सारे थे, मैंने लास्ट टाइम दिखाए भी थे, तो उनमें से काफ़ी सारे परचेज करके और उनके लिए मैं ऐसे ही नीचे हैबिटेट बनाऊंगा और उसको बाद में मैं कवर कर दूंगा और अंदर लाइटें वगैरह लगा दूंगा यहाँ पे। फिलहाल तो अभी बारिश शुरू हो गई है, अभी देख लेते हैं। अभी कैमरा वाला हैबिटेट भी देखना है एक बार, कैमरा वाला हैबिटेट में भी जो है ठीक चल रहा है हिसाब किताब तो यहाँ पे, और ज़ेब्रा वाला तो ठीक है ही ज़ेब्रा के हिसाब से। बाकी ये छोटा ही बनाया मैंने ज़ेब्रा के हिसाब से, इसको ज़्यादा बड़ा चाहिए होता नहीं है। और ये अपनी दुकान वगैरह यहाँ पे सही चल रही है, लूनी बलोल्स पे इतनी भीड़ तो नहीं है, बट ठीक है, जो गेट के पास है उस पर ज़्यादा भीड़ होती है। यहाँ तो पूरी की पूरी बुरी तरीके से भीड़ लगी हुई है, लाइन ये नहीं कितनी बड़ी बड़ी लाइन है यहाँ पे, गल्पी सोडा पे भी और ये बलून वाले पे भी, बलून वाले पे यहाँ पे भी कमी है वैसे, बाकी पे ज़्यादा है। बाकी जो अपना ये मोनोरेल वाला है तो बिल्कुल सही चलता है, इससे तो प्रॉफिट आ जा रहा है। इसकी मैं थोड़ी ना स्पीड बढ़ा देता हूँ, ये थोड़ी ज़्यादा स्लो चल रही है, पर ज़्यादा तेज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, नहीं तो गैस जो है कमाना शुरू हो जाएंगे। 20 miles per hour के आसपास कर देता हूँ, और ये 20 है अभी तो इतनी ठीक है। बाकी बाइक छूट जाए उसके बाद ट्रेन का भी रूट मैं नया बनाता हूँ। और ये एलिफेंट यहाँ पे इन्होंने मूव भी कर दिया है, तो अभी नेक्स्ट डे की सुबह होगी और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई आने वाला है, तो ये ट्रेन राइड का भी यहाँ से हटाना ही पड़ेगा। और बाकी इसके अलावा एक राइड और अनलॉक हुई है, वही मैं दिखाता हूँ। पहले मैं इस ट्रेन राइड को यहाँ से हटा दूँ, इसको डिलीट कर देते हैं ये पूरी की पूरी को, ये हो गई डिलीट, पूरी की पूरी हट गई। और अब मैं बनाऊँगा इसको एंट्रेंस के पास, और फिलहाल ये पाथ भी यहाँ से हटाना पड़ेगा, ये इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ से चलो हो गया ये क्लीन। और वैसे मैंने यहाँ पे ना एलिफेंट के लिए निशान भी लगा दिए हैं कि यहाँ पे इस साइड एलिफेंट था, बट उस साइड से मैंने एलिफेंट तो निकाल लिया है, तो इसको भी हटा देता हूँ यहाँ से। और देख हिप्पो वाला तो लगा हुआ है, हिप्पो वाला तो रहन देता हूँ, हिप्पो वाला तो ये रहा। तो ट्रेन राइड के अलावा जो एक और राइड अनलॉक हुई है वो अनलॉक हुई है 4x4 एडवेंचर टूर वाली। तो इसमें 4x4 की छोटी छोटी जो है जीप टाइप की सी हैं, पर वो चलती ट्रैक के ऊपर ही हैं, तो ये वाली हैं। और इनको अगर मैं यहाँ पे लगा पाऊँ तो ज़्यादा बेटर है। एक काम करता हूँ ना, इधर की साइड थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं, इसको पहले तो रोटेट करूँ इस साइड ऐसे, ये इधर लग जाएगी, यहाँ पर देखते हैं इसको। हाँ इसको बना लेते हैं, सबसे बढ़िया है इसको थोड़ा सा ना यहीं साथ साथ लेके जाते हैं रास्ते के, ये सही है, ये ऊपर ऊपर रास्ते के साथ साथ घूम लेगी। अब बस देखना पड़ेगा कि चल जाए ये,
ये भी ऐसा ना हो कि ये भी ना चले। One hour later. तो इसका पूरा पूरा ट्रैक मैंने बना दिया है, तो ये यहाँ से स्टार्ट होएगी और पूरा सामने से घूमते हुए इधर से होते हुए सारे हैबिटेट के पास से इधर पहुँच जाएगी। तो इसे सारे सारे हैबिटेट दिख जाएंगे और अभी इस पे जो है मुझे एंट्रेंस और एग्जिट भी लगाने हैं, और वो भी मुझे देखना पड़ेगा किधर से मुझे एंट्रेंस देनी है इसकी और किधर से एग्जिट देना है। अभी तो स्टेशन क्लोज है और एंट्रेंस यहाँ से देते हैं और एग्जिट यहाँ से, और अब इसको कनेक्ट करना है पाथ से। तो इधर से मैंने एंट्रेंस बना दिया है यहाँ से, ये यहाँ से ऊपर जाके इधर यहाँ पे इस पे पहुँच जाएंगे और ये बिल्कुल अपने गेट के पास ही हो गया। यहाँ से लेफ्ट साइड मोनोरेल का गया है और राइट साइड ये वाला 4x4 जो ये गाड़ी है इसका गया है, और अब इसका एक बार एग्जिट का भी बनाना है मुझे। अभी तो एंट्रेंस का ये है, एग्जिट का भी तो देना पड़ेगा। एग्जिट के लिए यहाँ पे ये सेम टू सेम मटेरियल यूज़ करके एग्जिट का भी इसका यहाँ से ऊपर से लेके जाता हूँ। एग्जिट का यहाँ से बना दिया, एग्जिट का थोड़ा सा मैंने अंदर की साइड बनाया है, मतलब यहाँ से एग्जिट ले जिससे कि अपने और भी एनिमल्स को देख सके। और ये पिछली वाली जो गोंडोला राइड थी उसका यहाँ पे रह गया स्टेशन का जो मैंने कनेक्ट किया था, इसको हटाया था, उसकी तो कोई ज़रूरत है नहीं अब। तो अभी बारिश तो रुकी नहीं रही, एक काम करते हैं इसको मैं ओपन कर देता हूँ। स्टेशन अभी क्लोज है और स्टेशन कर दिया है ओपन, और यहाँ पे ये ओपनिंग सेरेमनी भी होगी है। अब बस ये वाली राइड चलनी चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल मैंने गेट के पास बनाई है। आ रहा है कोई गेस्ट? अबे आ जाओ कोई। यहाँ पे तीन राइड फेल हो चुकी है मेरी, सिर्फ एक मोनो रेली सक्सेसफुल हुई है, उसके बाद गोंडोला राइड फेल हो गई, बोट राइड फेल हो गई और दूसरी वाली मोनो राइड फेल हो गई। अब ये फेल नहीं होनी चाहिए, अगर ये फेल हुई तो फिर कुछ और रीज़न है, जैसा मैं सोच रहा हूँ वो रीज़न नहीं है। स्टेशन तो ओपन हो गया और ये राइड भी जो है नॉर्मल मोड पे है, और यहाँ पे नंबर ऑफ़ व्हीकल्स एक मिनट मैं ना जरूरत बढ़ा देता हूँ, 5 तो कर ही दूँ एटलीस्ट। हाँ 5 हो गए, और स्पीड है अभी 10 mph की। ये खड़ी 5 जो है 4x4 अपनी जीप, और अब स्टेशन ओपन रखते हैं और अब आ जाना चाहिए कोई ना कोई तो। बाकी अभी थोड़ी देर में देख लेंगे, यहाँ पे जो है काफ़ी सारे विजिटर्स घूम रहे हैं, कोई ना कोई तो जाएगा इधर राइड पे। बाकी अभी कंजर्वेशन रेट काफ़ी अच्छे खासे हो चुके हैं, और एक बार मैं जरा चिंपैंजी वाले हैबिटेट में भी देख लूँ जाके कि यहाँ पे कोई अपडेट हो। कोई अपडेट अभी तो नहीं है यहाँ पे, अभी तो खाली मेल और फीमेल चिंपैंजी है। मेरे को लगा यहाँ बेबी चिंपैंजी और हो गया होगा, और बाकी ये यहाँ पे इनकी पॉपुलेशन तो हद से ज़्यादा तेज़ बढ़ रही है। ये क्या इन्होंने लड़ लड़के यहाँ पे नहीं खाना खा रहे हैं, मुझे लगा इन्होंने मिट्टी खोद दी यहाँ पे। इन सब के लिए अलग अलग खाना डाला हुआ है, ये डाला हुआ है यहाँ पे, ये यहाँ पे खा रहे हैं। तो अपना एलिफेंट यहाँ पे, इसके लिए एक फीमेल एलिफेंट देखनी है, और कंजर्वेशन क्रेडिट अब काफ़ी अच्छे खासे हो चुके हैं। तो अब देख लेते हैं एक एलिफेंट अफ्रीकन मिल रहा है, इंडियन एलिफेंट देखते हैं। इंडियन एलिफेंट नहीं मिल रहा, अफ्रीकन ही देख लेते हैं। अगर अफ्रीकन एलिफेंट मैं यहाँ पे रखूँ तो ये लड़ेंगे क्या आपस में? बट दोनों मेल हैं, एक फ़ीमेल होती तो शायद मैं ले भी लेता। नहीं, एक मेल फीमेल देख लेंगे अभी तो, और उसके अलावा चीता देख लूँ मैं। चीता के अगर मेल फीमेल आ गया और मेरे को दोनों मिल जाएँ सही रेट में, तो चीता का खाली फीमेल ही है। स्नो लेपर्ड भी नहीं अपने पास, स्नो लेपर्ड मैंने पहले रखा था बट वो मर चुका है, तो अब उसके भी मेल फीमेल का ही वेट कर रहा हूँ मैं। चीता एक तो ये रहा, एक ही है चीता, ये वाली फीमेल ही है। पांडा भी तो मुझे लेना है, पांडा भी तो नहीं है अभी, एक मिनट पांडा का देख लेते हैं। एक हैबिटेट खाली है पांडा के, उसमें रख दूंगा मैं अगर दोनों पांडा मिल जाते हैं मेरे को। पांडा भी अकेला ही मिल रहा है, अकेले में कोई सेंस ही नहीं बनती है लेने की, अकेले में तो सीधा नुकसान कराना है। अब तो उजाला हो गया, और आया कोई गेस्ट यहाँ पे? ओ आ तो गए, बैठ गए इसमें। चलो ये तो सही है, मतलब गेस्ट आके यहाँ बैठे तो है, और अब इसमें जो है और सीटिंग कैपेसिटी बची हुई है इसलिए वेट कर रहे हैं। और ये एक हाथ चली भी गई क्या कि? ओ जा रही है वो रही, इसमें भी गेस्ट हैं। चलो ये तो सही काम कर रही है, और ये बच्चे यहाँ पे आराम से मज़े से घूम रहे हैं, इन्हें काफ़ी मज़ा आ रहा है। ये सही हो गया, तो जो मैं सोचा था वो ठीक था कि अगर एंट्रेंस से ज़्यादा दूर कोई राइड का स्टेशन मैं बनाऊंगा तो उस साइड विजिटर्स कम जाते हैं तो वो उन राइड्स को कम ही यूज़ करेंगे, और वही हुआ था कि पहले यहाँ पे जो है मैंने 3 स्टेशन बना दिए थे बट कोई सा भी नहीं चल रहा था। तो मैंने यहाँ पे स्टेशन बनाया इस गाड़ी वाली राइड का, और अब ये आराम से चल रही है और ज़्यादा टाइम लगा भी नहीं, फटाफट से स्टार्ट हो गई। और अभी जिस हिसाब से ये चल रही है मैं इसमें थोड़े से चेंजेस करता हूँ। ट्रैक तो ये काफ़ी बड़ा है, इतना छोटा भी नहीं है, तो यहाँ पे मैं राइड्स और बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे अभी इसको क्लोज करके यहाँ पे 20 राइड कर देता हूँ, और इसको ओपन कर देते हैं बस। और स्पीड तो ठीक है 10 mph की, और अभी ये 20 आ चुकी हैं, ये रही यहाँ पे लाइन से लगी हुई हैं 20। ठीक है, ये तो सही काम कर रहा है। और अभी ये टाइगर की आवाज़ क्यों आ रही है? इतनी लड़ रहे हैं क्या आपस में ये? अरे ये क्यों लड़ रहा है? ये वैसे ही लड़ रहे होंगे, एक लड़ते नहीं है नॉर्मली, तो मुझे इन्हें हैबिटेट से निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी काफ़ी सारे हैबिटेट खाली हैं, एक तो ये वाला हैबिटेट खाली है, और एक ये वाला खाली है,
एक उधर भालू वाला खा लिया है, तीन हैबिटेट हो गए। और यहाँ तो ठीक है टिम्बर वुल्फ है ऊपर, ऊपर भी वहाँ पे सारे के सारे हैं, और इधर एलिफेंट का भी है। तीन हैबिटेट के लिए मेरे को एनिमल चाहिए, और तीन में से मेरे को एक में तो चीता रखना है, इस वाले में तो मैं चीता ही रखूँगा, तो इसमें मेल फीमेल चीता जाएंगे। उधर मैं जाइंट पांडा रख दूंगा उस वाले में, और एक जो है जाइंट पांडा वैसे मैं इस वाले में रख सकता हूँ, यहाँ पर भी ठीक रहेगा। और एक और खाली रह जाएगा उसमें देख लेंगे, उसमें लायन अगर मिल गया तो लायन रख लेंगे। जब पहले मेरे पास कंजर्वेशन क्रेडिट थे तब तो एनिमल मिल रहे थे, अब कंजर्वेशन क्रेडिट हो गया तो अब इजीली एनिमल मिल नहीं रहे। अब मिल गए मेल फीमेल दोनों चीता, बट इतने ज़्यादा कॉस्टली मिले हैं कि फीमेल वह है 824 कंजर्वेशन क्रेडिट की और मेल है 583, तो अब ये बेड से बाहर चले गए। कोई नहीं, अब इसके अलावा पांडा देख लेते हैं, ये रहा जायंट पांडा। जायंट पांडा तो कोई सा भी अवेलेबल नहीं है अब। वेस्ट अफ्रीकन लायन अवेलेबल है, ओ इसको तो मैं सीधा बाहे कर लेता हूँ, मेल है इसके लिए फीमेल देख लूंगा। अफ्रीकन लायन इतने दिनों बाद जाके मिला है, पहली बार देखा है मैंने लिस्टिंग में कि लायन आया है यहाँ पे, तो लायन के लिए जो भी चाहिए हैबिटेट में मैं देख लेता हूँ। लायन का यहाँ सर्च कर लेते हैं, वेस्ट अफ्रीकन लायन है और इसके लिए हैबिटेट की तो 705 मीटर स्क्वायर एरिया होना चाहिए, ग्रेड 3 क्लाइम प्रूफ होनी चाहिए इसकी जो बाउंड्री है, और टेम्परेचर चाहिए इसको 8 से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर का भी इसका नॉर्मल ही है, इतना कुछ है नहीं। और बाकी एनरिचमेंट आइटम्स में इसको कार्ड बॉक्स, लार्ज बॉल, स्प्रिंकलर, रबिंग पैड, तो कॉमन है जो टाइगर्स को चाहिए होते हैं वही वाले चाहिए। तो एक बार देख लो, इस वाले में ग्लास लगा हुआ है, और ये ग्लास को चेंज करके ना यहाँ पे इलेक्ट्रिक फेंसिंग कर देता हूँ, और इसको 3 मीटर हाइट बना देता हूँ, और यहाँ पे लाइन को ले आता हूँ। ये रहा इलेक्ट्रिक फेंसिस, और इसको कर देते हैं 3 मीटर के आसपास, 3 से ज़्यादा ही कर देता हूँ, 3.5 मीटर कर देता हूँ। बाकी भी लाइन को यहाँ पर ला देते हैं, और जो एनरिचमेंट के आइटम चाहिए वो मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा। ये रहा लाइन, और इसको सेंड करते हैं इस वाले हैबिटेट के अंदर। फिलहाल इसके बेडिंग वगैरह तो यहाँ पे है, और वैसे वाला हैबिटेट मंकी के लिए बनाया था इनिशियली मैंने, जापानीज मकैक था उसके लिए, बट ये लाइन के लिए हिसाब से भी ठीक रहेगा। इसके लिए पत्थर वगैरह भी हैं यहाँ पे बैठने के लिए, तो एक रबिंग पैड भी ऐड करता हूँ उसके लिए, रबिंग पैड है ये वाला, जिससे ये अपने जो है खुजली मिटा सके। ऐसा ही सेम टू सेम टाइगर वाले में भी है, ये यहाँ टाइगर वाले में लगा रखा है, और अभी तो ये सो रहे हैं आराम कर रहे हैं। तो यदि शेड जो है इसका काफ़ी फ़ायदा हो रहा है, इसमें टाइगर आराम करते रहते हैं, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है टाइगर की वजह से, और अब लायन आ जाएगा तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा भीड़ इस वाले हैबिटेट पे रहने वाली है। कहाँ रह गया वो लायन को लेके नहीं आया, मुझे लायन को देखना है यहाँ पे एक बार, तो लेके आ रहा है कीपर यहाँ से लायन को। ये रहा, ये आ गया है लायन, और करो बॉक्स ओपन फटाफट। फर्स्ट टाइम लायन आया अपने जू में, तो लग तो लायन काफ़ी ज़्यादा बड़ा रहा है। एक बार मैंने देखी नहीं इसकी एज कितनी है, इसकी एज अभी 8.3 ईयर्स, और एक बार जूपीडिया में देख भी लेते हैं लायन की जो है एज कितनी होती है। तो लायन की एज का यहाँ पे है 14 इयर्स के आसपास लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, तो अभी है 6 साल और इसके पास, पर इस जू में 6 साल काफ़ी जल्दी हो जाते हैं, तो मुझे जल्दी से एक फीमेल लायन और लेनी पड़ेगी ताकि इनके जो है बेबी लायन और हो सके, और मुझे बार बार परचेस ना करना पड़े। और लायन इतनी ईजिली मिलता भी नहीं है, इतने दिनों से गेम खेलेंगे तो पहली बार जाके लायन मिला है। और अभी जो है बंगाल टाइगर लड़ रहे हैं, ये बंगाल टाइगर्स को अगर मैं मूव करना चाहूँ तो चीता वाले में टेम्परेरी मूव कर देता हूँ। अभी यहाँ तो लड़ते हुए दिख रहे, एक ये यहाँ पे है, ठीक है अभी लड़ रहेगा, लड़ते हुए लगेंगे तो 2 हैबिटेट खा लिए हैं, किसी एक हैबिटेट में टेम्परेरी मूव कर दूंगा। और अभी एक बार मैं देख लूँ कि क्या पता फीमेल लायन भी आ गई हो, फीमेल लायन भी अवेलेबल हो चुकी है, बट ये इतनी ज़्यादा कॉस्टली है, 1013 कंजर्वेशन क्रेडिट, अभी 465 ही है, तो ठीक है फीमेल लायन भी मिल जाएगी। अब बस कंजर्वेशन क्रेडिट इकट्ठा करता हूँ, सबसे पहले फीमेल लायन लूँगा, उसके बाद कोई और एनिमल लूँगा, और बस इस पर थोड़ी नज़र रखनी पड़ेगी। ये मैंने वैसे इलेक्ट्रिक वाली लगाई है, और ट्रांसफार्मर भी है वहाँ पे सामने, तो इनको बिजली मिल रही होगी, बट फिर भी थोड़ा ध्यान रखते हैं ये फैंस तोड़ ना दे, क्योंकि अगर इन फैंस को इलेक्ट्रिसिटी ना मिले तो ये काफ़ी वीक हो जाती है, तो ये इन्हें ईजिली तोड़ सकता है। और ये क्या कर रहा है अभी, इसके खाने वाने की ट्रे वगैरह तो है यहाँ पर, पानी का भी है ही, ये रबिंग पैड पर अपनी खुजली मिटा रहा है, और पूरा शरीर रगड़ दिया इसने रबिंग पैड पर। और ये टाइगर भी ऐसे ही करते रहते हैं, और इवन भालू भी करते हैं, ज़्यादातर सभी एनिमल करते हैं, तो रबिंग पैड तो मेरे को लगता है सबको ही देना पड़ता है। और ये भालू तो यहाँ पे कार्डबोर्ड से खेलने में लगा हुआ है, तो इस वाले में रबिंग पैड की जगह रबिंग वाला टावर लगा हुआ है, और एक रबिंग पैड भी लगा हुआ है यहाँ पे। और ये छोटे छोटे भालू काफ़ी सारे होंगे, भालू की पॉपुलेशन काफ़ी अच्छी खासी होगी अपने जू में। और टिम्बर वुल्फ कहाँ पे है, टिम्बर वुल्फ सोए पड़े हैं क्या दोनों? तो ये दोनों सो रखे हैं, एक मेल है और एक फीमेल है। और अभी जो है एक बार चल के अपनी राइड्स को देख लेते हैं, हाँ ये अभी अकेली बैठे हैं बेचारे, कोई और आएगा तो तब चलेगी राइड, इतने बैठ के वेट करो आराम से। और कोई एनिमल एस्केप हो गया है, ये छोटा था कैमल एस्केप हो गया, कैप्चर करो इसको। और ये कहाँ से जंप मार के निकला है यहाँ से, फेंसिंग तो टूटी नहीं होगी, यहाँ तो मैंने मैकेनिक असाइन कर रखा है, ये मेरे को लग रहा है यहाँ से जंप कर गया इधर से ना, इधर कहीं से। इसकी भी ये जो है फेंसिंग
बड़ी करनी पड़ेगी मेरे को, तो इसकी भी हाइट बढ़ा देता हूँ, इस बैरियर के भी सारे के सारे को ना सिलेक्ट करके। और ये इलेक्ट्रिक वाले ही हैं वैसे तो, बट इधर शायद ट्रांसफॉर्मर नहीं है, इस चक्कर में शायद इलेक्ट्रिक नहीं होंगे। तो इसकी जगह क्या करते हैं ना, एक ग्लास वाला है मेरे पास, ग्रेड 3 का है ये और एक ग्रेड 5, ग्रेड 4 का है ग्लास वाला, इसको लगा देता हूँ। और इसकी हाइट कर देते हैं इंक्रीज़, इसकी हाइट कर देता हूँ 5 मीटर कर देता हूँ, 5 मीटर ठीक रहेगी। अब तो बिल्कुल नहीं निकल पाएगा ये बार, हाँ अब ठीक है। और जो ये छोटे वाला कैमल था इसको पकड़ के अंदर ले आया है यहाँ पे, अब तो उसके बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तो अभी अपने जू में गेस्ट 4000 से भी ज़्यादा हो चुके हैं, बट अभी जो है बैलेंस बढ़ नहीं रहा है, बढ़ नहीं रहा तो घट भी नहीं रहा है। पहले बहुत तेज़ घटा था, मुझे लगा था कि एकदम से घट के बिल्कुल लो पे चला जाएगा और फिर जू चलाना मुश्किल हो जाता, क्योंकि जू को मेंटेन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा बैलेंस चाहिए होता है। तो अभी मैं क्या करूँगा, अभी 4000 से ज़्यादा गेस्ट तो हो ही गए हैं, अगर बैलेंस इंक्रीज़ नहीं हुआ मतलब जू प्रॉफिट में नहीं आया ज़्यादा, तो मैं टिकट्स का थोड़ा प्राइस बढ़ा दूंगा, फिर जू जो है प्रॉफिट में आ जाएगा। बाकी आज के लिए फिर इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर न्यू चैनल सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।